Attention. Good morning to all and welcome to all my friends students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों आज का टॉपिक पेंच कुंदा. आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ACC. आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? ACC. ACC सीमेंट नहीं है, ना ही अररिया क्रिकेट क्लब है. ये क्या है? अल्टरनेटिंग करंट सर्किट. अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इस एक्सरसाइज का सबसे मेन और सबसे लंबा टॉपिक यही है. ये पढ़ने के बाद आधा चैप्टर हो जाता है. ACC बोला तो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट. सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें क्या होता है कि अरेंजमेंट जिससे करंट पास होता है. ये क्या इलेक्ट्रिक सर्किट है? अभी टूटा हुआ आपका इलेक्ट्रिक सर्किट, ये ब्रेक है इसलिए आप लोग थोड़ा तकलीफ में है अभी. तो ACC में क्या होगा? अल्टरनेटिंग करंट पास होगा. ये सब अल्टरनेटिंग करंट ही पास होता है. ACC से दोनों जाता है, ACB और DCB. तो एक ऐसा अरेंजमेंट जिससे AC करंट पास हो उसी का नाम अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कहलाता है. ये 6 तरह के होते हैं, दिख रहा है आपको. R सर्किट, L सर्किट, C सर्किट, LR सर्किट, CR सर्किट और LCR सर्किट. ये 6 का डिफिनेशन अभी याद कर सकते हैं, दिमाग लगा के पढ़ो, कोई रटने की जरूरत नहीं है. R फॉर रजिस्टर होता है. रजिस्टर किसको बोलते हैं? जिसके अंदर रजिस्टेंस हो, प्रतिरोधक, जिसके अंदर प्रतिरोध हो. R फॉर रजिस्टर. L याद कीजिए कहाँ आया था? कॉइल में आया था, इंडक्टेंस. तो जिस सर्किट में रजिस्टर लगा होगा R सर्किट, जिसमें कॉइल लगा होगा L सर्किट, जिसमें कंडेंसर लगा होगा C सर्किट, जिसमें आप क्या है? अगला क्या है? LR. अब कंबाइन कर रहे हैं. समझो, समझ नहीं आए छापने आए. R सर्किट में क्या होगा? ओनली रजिस्टर. उसके बाद क्या है? सी सर्किट. सी फॉर कैपेसिटर, कंडेंसर. पूरा एक चैप्टर पढ़ाया जिसमें कंडेंसर लगाओ. L कहाँ आया था? क्वाइल में, जिसमें क्वाइल लगाओ. LR मतलब क्वाइल भी हो, रजिस्टर भी हो. CR कंडेंसर भी हो, रजिस्टर भी हो. LCR तीनों लगाओ, क्वाइल भी, कंडेंसर भी और रजिस्टर भी. उसका नाम हो जाएगा LCR सर्किट. आइए अब R सर्किट पे. R फॉर क्या हो रहा है? रजिस्टर. जिस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर लगा हो वो R सर्किट होता है. सबसे सिंपल सर्किट यही है R सर्किट. ये सब क्या है? मानिए एक तरह से R ही सर्किट है. तो R सर्किट इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? रजिस्टर लगा हो. सर्किट विच कंटेन ओनली रजिस्टर इज कॉल्ड R सर्किट. ये आपका R सर्किट हो गया. मान लो इसमें अप्लाइड EMF है E=E0 sin ωt. ओम्स लॉ से I=V/R, V को E लिख सकते हैं, E/R, E को क्या पढ़े आप? E0 sin ωt. R फॉर रजिस्टर. अब मैक्सिमम करंट हमेशा, देखिए कई बार हम लोग काम कर चुके हैं मैक्सिमम करंट के लिए. साइन का मैक्सिमम करंट को I0 से डिनोट करते हैं. इसको पीक वैल्यू ऑफ AC भी कहते हैं. पीक पता क्या आता है? चोटी. चोटी सबसे क्या होती है? ऊंचाई पे होती है. सबसे ऊंचाई पे होती है. तो सबसे बड़ा मान जो होगा AC का वो I0 से डिनोट किया जाएगा और उसका नाम होगा पीक वैल्यू ऑफ AC. तो मैक्सिमम करंट को ही पीक करंट कहा जाता है. इसको I0 से डिनोट करते हैं. हम चाहते हैं करंट मैक्सिमम हो तो साइन का मान भी मैक्सिमम होना चाहिए. और साइन का मैक्सिमम मान दोस्तों कितना होता है? 1 होता है. 1 लीजिए, I0 बराबर होगा E0/R. फर्स्ट सेकेंड को मिलाइए, I=I0 sin ωt. पिछले लेक्चर में भी शायद इस फॉर्मूले को प्रूफ किया गया था. यही प्रोसेस था, सेम प्रोसेस. एक ही काम 2-3 बार कर रहे हैं फिर भी ना बने, दुख की बात. आइए एक नेक्स्ट टॉपिक, फेजर डायग्राम. ये हर सर्किट में आपको फेजर डायग्राम भी बनाना होगा. 6 सर्किट में डिफाइन करना, करंट का फॉर्मूला निकालना, रेजिस्टेंस निकालना और फेजर डायग्राम, ये 4 काम हम लोग करेंगे. R सर्किट में तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस R है ही, बाकी सर्किट्स में रेजिस्टेंस बदल जाते हैं, नया रेजिस्टेंस आता है, उसका मान निकालेंगे, करंट निकालेंगे और फिर फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे. 4 काम हर सर्किट में करना पड़ेगा आपको. तो फेजर डायग्राम होता है, फेज मतलब अवस्था, अवस्था डायग्राम. एक ऐसा डायग्राम जो क्या करे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट के बीच के रिलेटिव पोजीशन को दिखा रहा है, कौन आगे कौन पीछे.
उसी का नाम हो जाएगा कौन सा डायग्राम, फेजर डायग्राम। ए डायग्राम विच शोज रिलेटिव पोजीशन बिटवीन अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। जैसे आर सर्किट में देखिए ई बराबर होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। कंपेयर कीजिए दोनों को तो दोनों में साइन के साथ जो है वो सेम है, साइन ओमेगा टी यहीं से देखते हैं हम लोग, पकड़ते हैं साइन एंगल से ही तो पकड़ा जाएगा कौन आगे कौन पीछे या सेम डायरेक्शंस में, दोनों में सेम एंगल है इसका मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शंस में है। तो सेम डायरेक्शन में है कौन, ईएमएफ और करंट। तो अगर हम करंट को एक्स एक्सिस में लेते हैं तो ईएमएफ भी एक्स एक्सिस में ही होगा, इसलिए डायरेक्ट आप एक्स एक्सिस की तरफ ही दोनों लाइन को दिखाएंगे। जनरली ईएमएफ बड़ा होता है करंट छोटा होता है, क्योंकि करंट निकालने के लिए वी बाई आर या ई बाई आर करते हैं आप, तो छोटा वाला लाइन को मान लीजिए करंट और बड़ा वाला लाइन को मान लीजिए ईएमएफ, एक ही लाइन में दोनों को दिखाएंगे करंट को भी और ईएमएफ को। यही हो गया इसका फेजर डायग्राम, सबसे आसान फेजर डायग्राम आर सर्किट का है कि दोनों को हम लोग एक्स एक्सिस की तरफ ही दिखाते हैं करंट को भी और ईएमएफ को भी, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में। अब अगले में हम लोग देखेंगे कि कुछ 90 डिग्री से आगे होगा, कोई 90 से पीछे होगा, कोई थीटा एंगल बनाएगा, कोई फाई बनाएगा, हर सर्किट में ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। अब एक ऑब्जेक्टिव दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है इक्वल 10 साइन 100 पाई टी देन पीक वैल्यू ऑफ एसी, इसमें से सबसे बड़ा मान कौन है 20 30 100 10 सबसे बड़ा 100 है यहाँ पे क्या ऑप्शन में ए मार दीजिएगा आप लोग, पीक मतलब सबसे बड़ा ऊंचाई हाई तो सबसे ज्यादा क्या हो गया 100 हो गया, इसमें कौन सा सही जवाब होगा 10 एम्पीयर आंसर सबको मालूम है ना, क्या करना है इसका कहाँ डालना है, कहाँ डालना है आंसर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, आज तक ही धन्यवाद।